आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग शारीरिक, त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इन्हीं में से एक है कच्ची हल्दी। जी हाँ, कच्ची हल्दी एक ऐसी हर्ब है जो चोट, घावों, इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है। साथ ही कच्ची हल्दी के सेवन से इम्यूनिटी तेज होती है, सर्दी जुकाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। कच्ची हल्दी बालों के विकास में भी फायदेमंद होता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं। ये सभी तत्व हमारी सेहत, त्वचा और बालों के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। हमारे शरीर को कई रोगों से भी बचाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कच्ची हल्दी से सेहत, त्वचा और बालों को मिलने वाले फायदों के बारे में। कच्ची हल्दी प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन सी से भरपूर होती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। कच्ची हल्दी विटामिन के, पोटेशियम, फास्फोरस और थियामिन का भी अच्छा सोर्स है। कच्ची हल्दी में मौजूद ये सभी तत्व शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आप दूध में कच्ची हल्दी उबालें, की लें। सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीना लाभदायक होता है। इससे आपकी कई समस्याएं दूर होने लगेगी। सर्दी जुकाम में कारगर हल्दी। हल्दी को सर्दी जुकाम जैसी सामान्य समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण माना जाता है। यह गले में खराश की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। पाचन शक्ति बढ़ाए हल्दी। कच्ची हल्दी पाचन शक्ति को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व पाचन समस्याओं को ठीक करता है। कच्ची हल्दी गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज की समस्या से राहत दिलाती है। इसके लिए आप कच्ची हल्दी को पानी में उबालकर पी सकते हैं। इन्फेक्शन से बचाए कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है। यह इन्फेक्शन, वायरस से हमारा बचाव करती है। साथ ही इसमें मौजूद करक्यूमिन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव होता है जो सूजन को कम करता है। इम्यूनिटी बढ़ाए हल्दी। कच्ची हल्दी में प्रोटीन, जिंक और विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे इम्यूनिटी बढ़ाने का बेहद आसान घरेलू उपाय माना जाता है। कच्ची हल्दी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कैंसर से बचाए हल्दी। कच्ची हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही इसमें करक्यूमिन नामक तत्व भी पाया जाता है। ये तत्व कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। लेकिन कच्ची हल्दी कैंसर का इलाज बिल्कुल नहीं है, यह सिर्फ कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक होती है। मोटापा कम करे कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी मोटापा कम करने में भी फायदेमंद मानी जाती है। यह शरीर का वजन और बॉडी मास इंडेक्स को कम करने में मददगार हो सकती है। कच्ची हल्दी मोटापे के कारण होने वाली बीमारियों से भी हमारा बचाव करती है। डायबिटीज रोगियों के लिए कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को डायबिटीज रोगियों के लिए लाभदायक माना जाता है। इसमें मौजूद करक्यूमिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है, साथ ही इंसुलिन लेवल में भी सुधार करता है। लेकिन आपको एक्सपर्ट की राय पर ही इसका सेवन करना चाहिए। त्वचा को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाए हल्दी। कच्ची हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, ये त्वचा को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण त्वचा की चोट, घावों को ठीक करते हैं। डैंड्रफ से छुटकारा दिलाए हल्दी। हल्दी में एंटी डैंड्रफ प्रभाव होता है, ऐसे में इसे बालों पर लगाने से डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। बालों से रूसी दूर होती है,
साथ ही बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। कच्ची हल्दी बालों से फंगस भी दूर करता है।